मैं रौनक अरोड़ा उर्फ रॉनी। आज मेरा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम था, लेकिन मैं एग्ज़ाम हॉल के बजाय हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त नितिन को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। जल्दी चलिए, वो बेहोश होने वाला है। उसको खिलाओ कुछ, अपने आप ठीक हो जाएगा। एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट में अक्सर इस तरह होता है। पहले उसे देख तो लो डॉक्टर। अब डिप्रेशन के पेशेंट को इससे ज्यादा और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? एक्चुअल में वो पागल हो चुका है, उसे किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। वो पागल नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो बहुत जल्दी पागल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कर क्यों रहा है? नेचुरल फूड की इसे बहुत जरूरत है, इसे कुछ खिलाइए पिलाइए, वरना ये किसी भी समय बेहोश हो सकता है। तू एक काम कर यार, तू तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। तू छोड़ना मत बस इसे यार, आता हूँ ठीक है। तो खा ले नितिन, कब तक भूखा रहेगा? चला कुछ खा लेते हैं। खाना खा लूं? यहाँ मेरा दोस्त खुद को मारना चाहता है। 4 दिन से ना उसने खाना खाया ना पानी पिया है, और आप कह रहे हैं खाना खा लूं। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा भाई साहब, कब तक उसे ग्लूकोज पे रखेंगे? कल राधे भाई आ जाएगा, सब संभाल लेगा। हमें आज ही कुछ करना होगा। तो उसकी हालत नहीं देखी जाती के फादर को बुलाना? आपको क्या लगता है उन्हें इस बारे में पता नहीं होगा? अरे कौन सा बाप होगा जो अपनी माँ की मौत का इल्जाम अपने बेटे पर लगाएगा? गुस्से और इमोशन में बोल दिया होगा, उसकी माँ की मौत का सदमा था वो। उसकी दादी उसके लिए सब कुछ थी। माँ बाप तो नौकरी के चलते कभी औलाद पे ध्यान ही नहीं दे पाए। उसकी एक वो गर्लफ्रेंड थी ना हरलिन, उसे बुला, क्या पता उसकी बात मान ले। जो कभी ख्वाब मेरे तुमसे जुड़े, तुम पे खत्म। अश्क बहाऊं मैं दरिया, बदला जो तेरा नजरिया। तेरे लिए दिल ये दरिया, कैसे मैं उसको भुलाऊं। बांटूं मैं खुद को मैं बांटूं, कल में चला काटूं, शब्दों में खुद को तराऊं, कैसे मैं उसको भुलाऊं। चल वो देख, उधर पीटीआई बाजवा को देख, लेट हो गया ना, लाल कर देगा तेरी। आ, आ, आ,
हरलीन जब मेरी क्लास में आई तो ऐसा लगा कि वो ही मेरे मन की मोना लिसा है। लेकिन जब उसने बताया कि वो पंजाब स्टेट टॉपर है और डॉक्टर बनना चाहती है, उसी समय मुझे एहसास हो गया कि वो मेरी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने और आशीष ने तो बायोलॉजी सब्जेक्ट डॉक्टर बनने के लिए नहीं, अपने दोस्त नितिन के साथ रहने के लिए लिया था। जो क्राइटोफाइट्स है वो शायद आ सकता है। अबे पढ़ ले। तो एल्गी फाउंड ऑन ट्रंक्स, दिस इज द प्रोटोकोकस एंड द सिलिकमा। वो देख यार, पूरे स्कूल में ना इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की और कहीं नहीं देखी। तुझे ना हर लड़की खूबसूरत लगती है। इसके दिमाग में हर समय लड़कियां ही रहती हैं। साला शुक्राणु। अगर लड़कियां हैं ना तो जिंदगी है। तो तेरी भी ठीक है। यार नितिन सोच, अपने पास 7-8 करोड़ रुपए होते मजा ही आ जाता ना। करोड़ में कितने जीरो होते पता भी है मंगेरीलाल तुझे? कितने होते नितिन? इसका नाम होना चाहिए था वैशाख नंदन। ओ भाई यार, ये तो भगवान वाला नाम लग रहा है। मतलब क्या नितिन इसका? बड़ा नंदन मतलब बच्चा, और वैशाख, वैशाख वैशाख मतलब गधा, गधे का बच्चा। तू रुक। राजवीर को देखो, जब से हरलीन को घूरे जा रहा सारा। तुझे क्या दिक्कत है? तेरी बहन लगती है वो। बकवास मत कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन, बैठिए। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स, कल हमने जो टेस्ट लिया था उसके रिजल्ट आ गए हैं, और इस बार इन टेस्ट में टॉप किया है राजवीर ने। सच में? बैठ जा गधे। हर बार की तरह इस बार भी 0 नंबर आए हैं। पढ़ता क्यों नहीं? यहाँ स्कूल में खाली टाइम पास करने आते हो? सिट डाउन। हाँ, तो मैं कह रहा था इस बार इन टेस्ट में टॉप रहे हैं हरलीन। लेट मी कंप्लीट। इस बार टेस्ट में एक स्टूडेंट नहीं, 2 टॉपर रहे हैं, हरलीन के साथ साथ नितिन भी। दोनों ने 18 out of 20 का स्कोर किया है। हरलीन यहां आओ। नितिन तुम भी आओ। कॉन्ग्रेचुलेशन, सीखो इनसे। जहां हरलीन अपने माँ बाप के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी, वहीं नितिन अपनी दादी के लिए। एग्जाम में जब दोनों ने एक साथ टॉप किया तो हरलीन को लगा कि वो उसके सपनों का डॉक्टर बन सकता है, और इसी एक्साइटमेंट में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। Congratulations, Harleen. Thanks, Rajveer. अबे इंसल्ट क्यों की तूने उसके? हाथ मिलाने में क्या जा रहा था तेरा? तेरे नंबर कितना है बे डफर? 7। मेरे 10। स्मार्ट मत बन जाना। थे जो कभी ख्वाब मेरे, तुमसे जुड़े तुम पे खत्म। अश्क बहाऊं मैं दरिया, बदला जो तेरा नजरिया। तेरे लिए दिल ये दरिया, कैसे मैं उसको भुलाऊं। बांटूं मैं खुद को मैं बांटूं, कल चला रात काटूं, शब्दों में खुद को तराऊं, कैसे मैं उसको भुलाऊं। दिन ढल के रात निकलती,
थे जो कभी ख्वाब मेरे तुमसे जुड़े तुम पे खत्म अश्क बहाऊं मैं दरिया बदला जो तेरा नजरिया तेरे लिए दिल ये दरिया कैसे मैं उसको भुलाऊं बांटूं मैं खुद को मैं बांटूं कल में चला रात काटूं शब्दों में खुद को तराऊं कैसे मैं उसको भुलाऊं